प्रथम तहलका न्यूज और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो पंचकुला पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में दुकानदारों को उनका मालिकाना हक सौंपने के कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं और इस दौरान हवन यज्ञ के बाद दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे गए। आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर मौजूद रहे और इसके साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी और विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में दुकानदारों को उनका मालिकाना हक सौंपने के कार्यक्रम में पहुंचे और हवन यज्ञ के बाद दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे गए। आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी, विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी और पीड़ित दुकानदार भी मौजूद रहे। काबिले जिक्र है कि सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में भीषण अग्निकांड के चलते 133 दुकानें जलकर राख हो गई थी, जिसके बाद नए सिरे से शॉपिंग बूथ बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि आगजनी और अन्य सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया जाएगा, जिनके मालिकाना हक के दस्तावेज आज दुकानदारों को सौंपे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में दुकानदारों को मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे। और पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो पंचकुला पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में दुकानदारों को उनका मालिकाना हक सौंपने के कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं और इस दौरान हवन यज्ञ के बाद दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे गए। आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला मेयर मौजूद रहे और इसके साथ ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी और विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में दुकानदारों को उनका मालिकाना हक सौंपने के कार्यक्रम में पहुंचे और हवन यज्ञ के बाद दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे गए। आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व पंचकुला मेयर कुलभूषण गोयल सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी, विभिन्न मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी और पीड़ित दुकानदार भी मौजूद रहे। काबिले जिक्र है कि सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में भीषण अग्निकांड के चलते 133 दुकानें जलकर राख हो गई थी, जिसके बाद नए सिरे से शॉपिंग बूथ बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि आगजनी और अन्य सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया जाएगा, जिनके मालिकाना हक के दस्तावेज आज दुकानदारों को सौंपे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट में दुकानदारों को मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे।